हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं PUBG मोबाइल में जो ऑटोमेटिक डाउनलोड होता है उस डाउनलोड को अपन कैसे बंद कर सकते हैं, क्योंकि आप सबको मालूम ही है जब भी हम लोग गेम ओपन करते हैं तो साला स्क्रीन पे एक अलग से डाउनलोड स्टार्ट हो जाता है। कभी स्किन्स डाउनलोड होता है, कभी मैप डाउनलोड होता है, कभी कोई गन डाउनलोड हो जाएगा, कोई ड्रेस डाउनलोड हो जाएगा, रिसोर्स पैक डाउनलोड होने लग जाएगा। मतलब एकदम ज़्यादा इरिटेटिंग रहता है, जिसकी वजह से कभी कभी स्क्रीन में लोडिंग आ जाता है और गेम का साइज भी बड़ा हो जाता है। और गेम का साइज बड़ा होता है तो क्या होता है, ये तो सबको मालूम ही है भाई, हमारा गेम बहुत ज़्यादा लैग करने लग जाता है। तो इस ऑटोमेटिक डाउनलोड को अपन कैसे बंद कर सकते हैं उसी के बारे में इस वीडियो में आप लोग से बात करने वाला हूं और आपको बताऊंगा इसको आप कैसे बंद करोगे। और ये हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, जब तक आप खुद से डाउनलोड नहीं करोगे तब तक ये डाउनलोड नहीं होगा। तो इस इरिटेटिंग चीज़ को बंद करने का ट्रिक बताने से पहले आपको मैं दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम आता क्या है। जब भी अपन कोई ड्रेस में जाते हैं, मतलब देखते हैं कुछ भी, किधर भी कोई भी स्किन, तो ये ऑटोमेटिक डाउनलोड चालू हो जाता है। या कोई हमारा टीममेट आता है हमारे साथ गेम में तो चालू हो जाता है, मतलब लॉबी में आता है तो, क्योंकि वो ड्रेस अपने पास हम लोग पर डाउनलोडेड नहीं रहता तो गेम क्या ऑटोमेटिक डाउनलोड करने लग जाता है उसको। तो यहाँ पर देख सकते हो, अब इसको मैं बंद किया और ये फिर से ऑटोमेटिक डाउनलोड होने लग गया। मतलब एक बंद करो दूसरा चीज़ चालू हो जाता है। तो इसी का सॉल्यूशन बताऊंगा, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक तो देख ही लियो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो पसंद आ जाएगा तो, और वीडियो को शेयर कर दिया करो यार, कोई सा भी वीडियो जो पसंद आ रहा है चैनल का, इसका थोड़ा सपोर्ट हो जाता है। तो चलो आपको बताता हूँ करना क्या। सेटिंग में जाना है, सबसे नीचे राइट साइड में देखना डाउनलोड लिखा हुआ है, पबजी एक नया ऑप्शन ऐड किया है, ऑप्शन बारे में काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता इसीलिए है ये वीडियो। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक डाउनलोड जो लिखा हुआ है उसको सेलेक्ट करोगे तो वहाँ पर ऐसे राइट बना हुआ है एक, उसको अनटिक कर देना है, ठीक है। मतलब वो एकदम से टच नहीं होता है, दो तीन बार में टच हुआ मेरे से भी, तो उसको अनटिक करने के बाद ऊपर जो कंटिन्यू है उसको कंटिन्यू कर दो, फिर इसको काटो, उसके बाद फिर से आओ अंदर और जो पॉज का ऑप्शन है उसको दबा दो वहाँ पे, इसके बाद ऑटोमेटिक डाउनलोड नहीं होगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है और बाकी वीडियोज़ भी देखो और बताओ कमेंट में कैसा लगा वीडियो। मैं मिलता अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।